Welcome, children. Do you know what is this? Yes, this is a kite. And we, all of us likes to fly kite. So, children, today I will explain you a poem, The Kite. In this poem, poet has described a new kite. Poet describe a new kite. Poet ne ek naye kite ke bare mein humko bataya hai. So let's start the poem. How bright on the blue is a kite when it's new. So when a new kite is flying in the blue sky, then it is looking very bright. Bahut hi chamkila dikhta hai. With a dive and a dip, it snaps its tail. Here I have written meaning of dip to lower and raise. Snap means makes a sound. So when kite dives and dip means sometime kite is rising high up in the sky and sometime it is falling. मतलब कि वो गोते लगाता है आसमान में हवा के झोंके के माध्यम से वो गोते लगाता है. तो काइट जब गोते लगाता है, when it's dive and dip, it snaps its tail. This is a tail of a kite. And it snaps. Snaps means हवा से जब ये हिलता है तो एक टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं स्नैप. Then soars like a ship with only a sail. Now here poet is comparing kite with a ship. When ship is moving, when ship is sailing in the water or in a sea or in a ocean, then sometime it dip, sometime it goes down and sometime it goes up on the waves. कभी कभी वो वेव्स पे जब शिप चलता है तो कभी वो वेव्स में थोड़ा नीचे जाता है, फिर कभी वो ऊपर आता है. इस तरह से शिप भी जब चलता है, मूव होता है शी में और ओशन में, तब वो गोते लगाते हुए चलता है. लाइकवाइज आवर काइट आल्सो व्हेन इट इज फ्लाइंग इन द स्काई, वो भी गोते लगाते हुए कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे की तरफ आता है. As over tides of wind it's ride, and ship is moving on the tides. Tides means लहरों के ऊपर चलता है. And जो काइट है वो कहाँ चलता है? विंड के थ्रू आसमान में उड़ता है. Climb to the crest. Crest means the highest पार्ट. और इस तरह से काइट जो हमारा आसमान में उड़ता है, वो हवा के झोंकों से वो ऊपर नीचे उड़ते हुए सबसे, कभी कभी वो एकदम आसमान के सबसे ऊंचे पार्ट पे पहुंच जाता है, सबसे हाईएस्ट पार्ट पे पहुंच जाता है. और शिप भी लहरों पे गोते लगाते हुए जहां उसको जाना रहता है वो पहुंच जाता है. Of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. So of a gust, gust means हवा का झोंका. तो हवा का झोंका उसको pull करते हुए एक time ऐसा आता है कि kite हमको आसमान में ऐसा दिखता है कि वो एक जगह पे रुक गया हो, rest कर रहा हो. As wind falls, और उसके बाद जब wind कम हो जाता है तब क्या होता है? When string goes slack, slack means get loose, you wind it back. तो जब हवा जब कम हो जाता है, हवा बहना बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो वो क्या है, वो वापस नीचे आने लगता है. तब उसका जो स्ट्रिंग है वो लूज हो जाता है और हम उसको अपने बिल में वाइंड अप कर लेते हैं, मतलब कि मांझे में वापस हम उसको वाइंड अप कर लेते हैं. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज
ब्लो, ब्रिज मीन्स लाइट विंड, और फिर तब तक उसको पकड़ के हम दौड़ते हैं जब तक कि एक और फिर नया हवा का झोंका ना आ जाए. एंड इट्स विंग्स फील एंड अप इट गोज, और जब नया हवा का झोंका आता है तब फिर से वो और ऊंचाई पे उड़ने लगता है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. फिर से ये फर्स्ट वाली टू लाइन है रिपीट हुआ है यहाँ पे कि जब काइट नया होता है, व्हेन द काइट इज न्यू इट लुक्स वेरी ब्राइट इन द ब्लू स्काई, बट अ रैग्ड थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इज द टॉप ऑफ अ इन द टॉप ऑफ अ ट्री. रैग्ड मीन्स रफ, टॉर्न आउट. सो व्हेन काइट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स रस्सी जो धागा होता है, when it entangles on the tree top, then what happened through the wind, it wanted to make it free, it wanted to get free from there, but it never get free from there and it torn out, wo phat jata hai. Jab jo kite hai uska jo string hai jo dhaga hai agar ट्री टॉप में फंस जाता है तब वो हवा के झोंके से फ्लैप करता है और वहां से फ्री होना चाहता है, लेकिन वो फ्री नहीं हो पाता है और लास्ट में वो फट जाता है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम. थैंक यू.